अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगी। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैंने कोई भी व्लॉग नहीं बनाया, आज सिर्फ मैं वेडिंग केक बना रही हूँ, तो उसके साथ उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये देखिए जी, ये तीन मैंने लेयर्स में केक बनाना है। तो सबसे पहले बड़े वाला केक है जो वो रेडी करते हैं, ये 6 पाउंड का केक है। तो उसके लिए हम स्पंज रेडी कर रहे हैं। तो इसमें मैंने डाले हैं जी 8 अंडे डाल के, तो साथ में 2 कप चीनी डाल के अच्छी तरह से हम इसे बीट करेंगे। तो इसी के साथ बताते चलूँ, चैनल पर नहीं है तो जल्दी से चैनल को करें जी सब्सक्राइब, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दिया करें, नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। और साथ साथ यहाँ पे देखिए जी, मैं मटेरियल डालती जा रही हूँ जो मैंने इसमें डालना है, ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो इसमें मैंने 10 टीस्पून डाले हैं जी जैसे कि कोको पाउडर के, और 2 टेबल स्पून भर के मैंने इसके अंदर डाला है जी बेकिंग पाउडर, और यहाँ पे 2 टीस्पून इसके अंदर जा रहा है जी वनीला एसेंस। और अगर टीस्पून में आप बेकिंग पाउडर डालेंगे तो वो 4 टीस्पून हो जाएगा, टेबलस्पून में डालेंगे तो वो 2 टेबलस्पून हो जाएगा। तो ये सब कुछ डाल के अच्छी तरह से इसे बीट कर लेंगे। उसके बाद इसके अंदर पूरे 2 कप, ये मेजरिंग कप है इसी के साथ, और 2 कप और 3/4 कप मीन्स इनके 3/4 कप हम इसके अंदर मैदा ऐड करेंगे फ्लार। तो इसको मैंने छान के ही अपने इस बॉक्स में डाल के रखा हुआ है, 8 बॉक्स में। तो बस इसे डायरेक्ट इसमें मैं इसीलिए डालती जा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए जी, परफेक्ट मेजरमेंट के साथ ही हमेशा केक को बनाना चाहिए। ज़रा सी मेजरमेंट इधर से इधर हो जाए तो केक ख़राब होने का बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। तो अगर आपको लगे ये ठीक हो गया तो आप इसमें 1-2 घूंट दूध भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपने एग इसमें कम डाले हैं। तो अगर आपने एग इतने ही डाले हैं तो फिर इसमें दूध ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बस ये सिंपल इसी तरह से बीट हो जाएगा। तो मुझे लगा था ये थोड़ा सा ठीक है, तो मैंने इसके अंदर 1-2 घूंट ही सिर्फ दूध ऐड किए हैं। तो अगर आपने भी ऐड करने होंगे तो सिर्फ 1-2 घूंट ही दूध ऐड करने हैं, वैसे कि 2 टेबलस्पून आप लगा लें बस दूध ऐड करना है। तो वो वाला केक अप मैंने बेक होने के लिए रख दिया है, सेम उसी इंग्रेडिएंट्स के साथ, वही एग हैं, वही शुगर है 2 कप, और उनको अच्छी तरह से मैंने दोनों को बीट कर लिया। यहाँ पर मैं स्पंज बना रही हूँ पाइनएप्पल केक के लिए। तो ये 5 पाउंड का बन रहा है, तो इसमें मैंने अंडे 2 कम कर दिए थे, जैसे कि मैंने पहले 8 डाले थे, इसमें 6 अंडे हैं। चीनी इसमें मैंने 2 कप ही डाली है। और अब इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हमने यूज़ करना है वो है 1 चुटकी आपने नमक इसमें भी डालनी है, उसमें भी मैंने डाली थी तो आपको दिखाना मैं भूल गई हूँ। वो मैंने जो इंग्रेडिएंट्स डाले थे ना उसके अंदर ही मैंने एक चुटकी नमक की डाल दी हुई थी, जो मैंने वो बेकिंग पाउडर और चॉकलेट पाउडर का ऐड किया हुआ था ना। अब यहाँ पे देखिए जी, मैं 4 टेबलस्पून इसके अंदर डाल रही हूँ जी कॉर्न स्टार्च। इससे ये होता है कि बिल्कुल स्पंज की जो कलर होता है ना वो बेकरी जैसे ही होता है। वैसे आप लोग बीट करें ना घर में तो स्पंज का कलर जो होता है ना वो येलो आ जाता है, तो ना ये कॉर्न स्टार्च डालने से ना इसका स्पंज का कलर जो होता है ना वो वाइट ही रहता है। ये देखिए जी, केक टिन मैंने रेडी कर ली हुई है, 3 पाउंड का है और 1 पाउंड का है, 4 पाउंड का ये बन रहा है, 6 पाउंड का वो था। उन दोनों को भी बीट करने के लिए मैंने रख दिया था मैदा डाल के, 2 कप ही मैंने 3 कप ही मैंने इसमें मैदा डाला था। और यहाँ पे देखिए जी, मैंने जो बड़े वाला केक है उसमें 1 फ्रूट कॉकटेल की 1 चॉकलेट चिप की लेयर लगा दी थी। पाइनएप्पल में सिंपल ऐसे पाइनएप्पल सॉस डाल के ऊपर नीचे पाइनएप्पल की मैंने 3 लेयर का 3 पाउंड का और 1 पाउंड का ऐसे ही केक बना लिया था जी। अब इनको क्रीम लगा के तो मैंने फ्रिज में रख दिया था, अभी आज फंक्शन वाला दिन था तो बस मैंने केक को एक जैसा फंक्शन वाले दिन ही किया था, क्योंकि इतने केक के लिए फिर फ्रिज भी खाली करनी पड़नी थी, वैसे कि फ्रिज में स्पेस इतनी होनी चाहिए कि केक जो है वो 3 लेयर वाला उसमें आ सके। तो वैसे मैंने इसमें से फ्रिज में से 2 शेल्फ उसकी निकाली थी, तो फिर ये केक समझ ली थोड़ी देर के लिए मैंने फ्रिज में रखा था। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह से फर्स्ट टाइम मैं ये केक बना रही हूँ, पहले मैंने कभी भी ये 3 लेयर वाला केक नहीं बनाया। तो बस अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाह पढ़ के तो मैंने यहाँ पे केक की पहली लेयर रखी, फिर मैंने दूसरी रखी, और अब ये माशाल्लाह से मैं 3री लेयर भी केक की इसके ऊपर रख रही हूँ। ये देखें जी, तो माशाल्लाह से शुक्र है अल्लाह का, ये जो केक के साइड पे आपको ब्राउन नज़र आ रहा है ये मैंने केक के जो स्पंज का होता है ना, पहले मैंने सोचा था कि उसी के साथ इसको डेकोरेट कर देती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं रहने देती हूँ, क्रीम के साथ ना इसके फ्लावर यहाँ पे बना दूँगी। सिंपल क्रीम के अंदर मैंने जो जेल कलर होता है ना पिंक, वो डाल के तो क्रीम को कर लिया जी बीट। तो अब यहाँ पर देखिए जी, फ्लावर वाला मैं डिज़ाइन बना रही हूँ, ईजी है, इतना मुश्किल नहीं है। फ्लावर वाली नोज़ल लगाई थी तो उसी के साथ बस मैंने सिंपल ऐसे बना दिया था, सोचा नहीं हुआ था, बस उसी टाइम पे जो मुझे समझ आया मैं वैसे ही बनाती गई बस। तो ये देखिए जी, अब मैंने अपनी तरफ से जो डेकोरेशन करनी थी वो कर ली है। अब मेरे पास पड़े हुए थे जी फ्लावर, तो ये फ्लावर भी मैंने कहा चलिए इसके एक तरफ से तरफ लगा देती हूँ,
तो ये देखिए जी, सिंपल फ्लावर जो है मैंने धो के रखे हुए थे, इनके अंदर इसको डाल दिया था। तो अब पहले मैंने सोचा ऊपर फेंक देते हैं, फिर मैंने कहा नहीं, फ्लावर के अंदर अंदर जो है ना दरमियान में वहाँ पे एक एक करके ये बीट लगा देती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह जी सिंपल सा हो गया था। अभी मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था, बाद में मैंने इसके ऊपर हैप्पी एनिवर्सरी का जो होता है ना कार्ड टाइप क्या होता है वो मैंने ऊपर लगा दिया था। तो ये देखिए जी माशाल्लाह से केक रेडी हो गया। अब इसको रखते हैं जी थोड़ी देर के लिए फ्रिज में। और यहाँ पे मुझे लग रहा था थोड़ा सा हाली है, तो मैंने कहा चलिए यहाँ पे भी मैंने ना क्रीम के साथ दो दो तीन तीन ये देखें जी ऊपर बस डिज़ाइन ही बना दिया था। तो ये देखें जी माशाल्लाह से केक बिल्कुल डन है। और ये देखें जी आज जो दिन था उसी दिन मैंने समझ इसको ये रेडी किया था। तो ये देखें जी माशाल्लाह से। तो जल्दी जल्दी से आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक शेयर करना है, बहुत सारी दुआ में मुझे याद रखना है। अल्लाह हाफिज़। और बताना है कि कैसा लगा आपको।